हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए एक तरफ अच्छी खबर हम आपको दे रहे हैं, दूसरी तरफ देश में कोरोना के आंकड़े बता देते हैं। देश में कोरोना के कुल केस 96,44,000 के पार हो गए हैं और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 36,000 से ज्यादा मामले आए हैं। 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 482 लोगों की मौत हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। कोशिश एक तरफ हो रही है कि वैक्सीन को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाया जाए, दूसरी तरफ मामले बढ़ते हुए 96,44,000 के मामले हो गए हैं और 36,000 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। और खबर देखिए, खबर को समझिए, खबर इसलिए बड़ी हो जाती है वैक्सीन से जुड़ी हुई क्योंकि 36,000 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं और वैक्सीन की जरूरत पूरे देश में पूरी दुनिया में लोगों को है और कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन उन तक पहुंचाई जाए। और इस वक्त अच्छी खबर ये आ रही है कि फाइजर ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत में भी इजाजत मांगी है। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।